गाम जहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। गाम दीट। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस गायब है, इनको कहने कोई नाम लेवा भी नहीं है। तो मैं थोड़ी मोदी जी की तारीफ करूंगा। 2022 हाँ मेवाणी है वो, मैं कितना बोलता है, सच्चाई के लिए लड़ता है वो। 3000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाएंगे, 1,000,000 तक का मेडिकल बीमा फ्री। क्या काम क्या बोलता है उसका। अरे बोरिंग हो गए वो अब। कौन बोरिंग हो गया? मोदी जी कहाँ सुनने आता है। चुनाव हो जाए ये आपका फुटेज सेव करके रखिएगा, उनका एक भी सीट नहीं आ रहा है। नमस्कार, रेडर बाइक रिपोर्टर में आप सभी का बड़गाम से स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ चित्रा त्रिपाठी। गुजरात की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरे चरण में जहां जहां होना है मतदान, उनमें से एक वडगाम की वीवीआईपी सीट है जहां से जिग्नेश मेवाणी चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार 2017 में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का हाथ पकड़ चुके हैं और चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अपने दावे हैं मोदी के चेहरे को लेकर। लगातार बीजेपी ये उम्मीद जता रही है कि चूंकि गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बीजेपी ने शानदार काम किया है, इस वजह से जीत तो भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। जबकि AIMIM और आम आदमी पार्टी भी मुकाबले को चतुष्कोणीय बना रही हैं। ऐसे में अलग अलग हिस्सों में जाकर करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। कौन से मुद्दे हैं जिनको जेहन में रखकर बड़गाम की जनता वोट करने के लिए जाएगी, और सवाल दलितों की सुरक्षा, उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर भी होंगे। गुजरात के बनासकांठा जिले की बड़गाम सीट पर सियासी रण काफी रोचक हो गया है। फायरब्रांड दलित नेता और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी अपने राज तिलक को लेकर पूरी तरह निश्चिंत लग रहे हैं। जिग्नेश को अपनी जीत आसान लगने की कई वजहें हैं, जैसे इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ हमेशा मजबूत रही है। वडगाम के होडा गांव हम आ चुके हैं। जिग्नेश मेवाणी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदा विधायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। 2017 में तो कमाल कर दिया था निर्दलीय तौर पर, इस बार कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार आकर यहाँ पर दम भर रहे हैं जीतने का। इस बार कमाल भी करेंगे और पूरे गुजरात में धमाल भी करेंगे। इस बार गांधीनगर में उड़ने वाला है गुलाल, गुलाल 120 सीटों का 120 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे। आपके बड़े नेता तो आए नहीं, आप कह रहे हैं कि गुलाल उड़ने वाला है। मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, जगदीश ठाकुर है, जगदीश ठाकुर है, सुखराम राठवा है, अमित चावड़ा, परेश धानाणी, अर्जुन मोटवड़िया, सिद्धार्थ भाई पटेल, मैं हूँ, हम सब है, लड़ लेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं आए? आप राहुल गांधी की इतनी तारीफ करते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं नजर आए आप लोगों का कैंपेनिंग करते? आप तो जानते हैं, इतनी होशियार पत्रकार है आप, उनको मिलकर आई आप शायद भारत जोड़ो यात्रा में, आप नहीं तो आपके स्टाफ में से कोई मिलकर आया है। वो भारत जोड़ो यात्रा के एक बहुत बड़े मिशन में लगे हुए, और यहाँ अरे जिग्नेश है ना, देख लेगा, जगदीश लेंगे, जगदीश ठाकुर है ना, देख लेंगे, तो उनको हम पे भरोसा है और वो बड़े काम के लिए निकले हैं। बीजेपी तो ये कह रही है कि इस बार तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो तोड़ने 2002 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। बोलने दीजिए उनको जो बोलना है, जनता तय करेगी। 3000 का तेल का डिब्बा और 1100-1200 रुपए की गैस के सिलेंडर की बॉटल 80% गुजरात अफोर्ड नहीं कर सकता। इस मुद्दे पर वोटिंग होगा। इस बार एक साइलेंट वेव है। साइलेंट वेव कहाँ होती है? होती है ना, साइलेंट वेव चल बहुत रही है। बिल्कुल, लोग पार्टी के पक्ष में, लोग मन बनाकर बैठे हैं और कुछ बोल इंतजार में है। 1 तारीख और 5 तारीख को ऐसा बटन दबाएंगे ना कि मानो मशीन तोड़ने वाले हो। साइलेंट वेव क्या होती है ये? आप बार बार जहाँ पर जाते हैं साइलेंट वेव चल रही है, मतलब है, है बिल्कुल, लोग खामोशी, लोग तय करके बैठे है कि अब तो 3000 का तेल का डिब्बा नहीं लेना, अब 1100 का गैस की बोतल नहीं लेनी, ये लोग तय करके बैठे हैं। पिछले बार तो हमने देखा था कांग्रेस को लेकर एक अलग तरह का माहौल था, राहुल गांधी कई दिनों तक यहीं गुजरात में थे, इस बार वो गायब है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब कर लेना। आप तो आप में रहे थे, इनको क्या है? सोशल मीडिया की कैंपेन के चलते 90,000 मध्यान्ह भोजन के कर्मचारी है, उसका 10% होगा 90,000, 9,000, तो करिए ना 9,000 की रैली, वो नहीं कर सकते तो क्या करते हैं,
900 लोगों को बड़ौदा या सूरत के अहमदाबाद के ऑडिटोरियम में बिठाकर चार एंगल से कैमरा लगवाकर, जी बताइए आपके क्या सवाल है अरविंद केजरीवाल, फिर वो कहेंगे कि मैं ये करूंगा, हाँ। उसका वीडियो बनेगा, दबा के पैसा डाल के उसका मार्केटिंग करेंगे, उससे ग्रास रूट पे संगठन नहीं बनता। उससे सुनिए ना उससे बूथ पे कार्यकर्ता नहीं मिलता, चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है, बूथ पर कांग्रेस है। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस गायब है, इनको कहने दीजिए, नाम लेवा भी नहीं है, तो मैं थोड़ी मोदी जी की तारीफ करूंगा। गुजरात की राजनीति में जिग्नेश मेवाणी की गिनती सबसे बड़े और सबसे युवा दलित चेहरे के रूप में होती है। उन्हें राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा भी माना जाता है। मेवाणी ने पिछले साल सितंबर में ही कांग्रेस का दामन थामा था। 2017 में निर्दलीय जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के समर्थन से जीते थे। उन्होंने करीब 20,000 के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को मात दी थी। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक और मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी मनीलाल वाघेला से है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दलित एक्टिविस्ट दलपत भाटिया को मैदान में उतार कर जिग्नेश की राह में कांटे बिछा दिए हैं। उधर AIMIM भी मुस्लिम बहुल सीट पर मजबूती से ताल ठोक रही है, और अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस और AIMIM के बीच बटे तो मेवाणी के लिए राह मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जिग्नेश कहते हैं कि कोई भी लड़ रहा हो वो तनाव नहीं लेते, क्योंकि उन्हें जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर भरोसा है। 2022 आम आदमी पार्टी की ओर से चुनौती दी जा रही है, AIMIM भी आ गई है, आपको कहा जा रहा है कि वोट बढ़ जाएगा तो बीजेपी कहीं जीत न जाए, बीजेपी यही खुशी देख रही है। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी गुजरात में 10 लाख रोजगार का सृजन करेगी। कांग्रेस गुजरात में विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस की बनाई हुई मनरेगा योजना के कारण 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। तो मैं तो अपनी बात करूंगा, अपनी पार्टी की बात करूंगा। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है ना आपकी सीट पर AIMIM है, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी आ गई, तो बीजेपी ऐसा सोच रही है कि सारी जो ये दूसरी पार्टियां हैं जब वोट बांटेंगी तो फायदा तो बीजेपी को ही हो जाएगा। लेकिन देखिए ना, मैं कितना रिलैक्स है, एकदम फ्लोट कर रहा हूँ। फ्लोट कर रहे हैं, मानो कि चुनावी कैंपेन नहीं, नौका विहार कर रहा है ऐसा लग रहा है। नौका विहार चल रहा है इस वक्त आपका, अति आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं हो गया जिग्नेश? बिल्कुल ही नहीं, जनता कितना प्यार है, मोहब्बत है, गले लगा रहे। चुन चुन के AIMIM ने उसी सीट पर अपने उम्मीदवारों को जगह दी है जहां पर मुस्लिम और दलितों की तादाद ज्यादा है। ओ मैडम, डेमोक्रेसी है, एक्स भी लड़े वाई भी लड़े जनता तय करेगी। चुनौती कौन बड़ी दे रहा है आपको? हमको? हाँ, मुकाबला किससे है? मोदी जी से। आप कह रहे हैं कि मोदी जी से आपका मुकाबला है, मोदी जी गुजरात के भी देश के भी बड़े नेता हैं, और कहा जाता है कि मोदी के नाम पर गुजरात की जनता वोट करती है। देखिए, तीन तीन चीफ मिनिस्टर बदल डाले। अरे बोरिंग हो गए वो अब। कौन बोरिंग हो गया? मोदी जी। कहाँ सुन रहे आप? मोदी जी बोरिंग हो गए। उनकी रैली में यदि 40,000 लोग है उसमें से 14-15,000 आशा वर्कर और आंगनबाड़ी की बहन रहेगी, 5,000 क्लर्क रहेंगे, 7-8,000 पटवारी रहेंगे, फिर पुलिस के कॉन्स्टेबलों को 3-4,000 को बुलाएंगे, DDO, TDO, कलेक्टर, SP, PI, दिस दैट सबको काम पे लगाने के बाद, दुनिया की स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें रखने के बाद जनता और कर्मचारी आते हैं। सहज रूप से सुनने के लिए उनको कोई नहीं आता। तो कौन सा नेता है जिसको सहज रूप से सुनने के लिए हमको सुनने के लिए आते हैं? तो ज्यादा नहीं हो रहा है जिग्नेश मेवाणी, मतलब अति आत्मविश्वास का शिकार? अरे कहां मोदी जी से तुलना? अरे और कहां? फिर ये वो देश के प्रधानमंत्री हैं, दो दो बार जीते, तो 2001 से तो हर बार मेरे चुनाव प्रचार में भेजते, पिछली बार योगी आदित्यनाथ को भेजा, CM विजय रूपाणी को भेजा, खुद आए। तो वो लोग तो छोटे छोटे चुनाव को भी गंभीरता से लेते हैं ना, 182 में पता चलता है कितनी मेहनत करते हैं। 182 में हमारे लिए इतना मोहब्बत जनता सब समझती है, लेकिन आने दीजिए, हो जाए दो दो हाथ, कोई बात नहीं। हम आपको स्थानीय लोगों का मिजाज भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले वडगाम के सियासी इतिहास पर नजर डालते हैं। यहाँ 1995 में बीजेपी, 1998 में कांग्रेस, 2002 में कांग्रेस, 2007 में फिर बीजेपी, 2012 में कांग्रेस और 2017 में कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी जिग्नेश मेवाणी ने जीत दर्ज की।
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर करीब 2,94,000 मतदाता हैं। इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इसके बाद चौधरी, दलित, ठाकुर और दरबार लोगों की भागीदारी है। 2017 में जिग्नेश को कुल वोट के 50.79% वोट मिले थे। तब मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, लेकिन इस बार ओवैसी और केजरीवाल भी गुजरात में उलटफेर की आस लगाए बैठे हैं। बीजेपी के लिए जब से हम सत्ता में आए एक भी दंगे नहीं हुए गुजरात में। 2002 के बाद चारों तरफ शांति शांति है। हाय हाय हाय, क्या झूठ बोलते हैं, क्या झूठ बोलते हैं भाई साहब। झूठ बोला है? हाँ बिल्कुल झूठ ही है। कहाँ हुए दंगे बताइए आप? आप आंकड़ा दीजिए। हिम्मतनगर में, खंभात में, वेरावल में अभी क्या हुआ? क्या हुआ आपको मालूम है कर्फ्यू का डेटा क्या है? एक्चुअल डेटा आप बताएंगे? विधायक हैं, बहुत ही खतरनाक है। छोटे 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 बहुत जगह पे ये तकलीफें होती रहती है। लेकिन सवाल ये है, चुनाव का जब 3-4 दिन 5 दिन बाकी है, तब बंद पड़े हुए सारे कुएं और बोरवेल को रिचार्ज करवाएंगे, ये कहने के बजाय और कुछ मोदी जी को क्यों याद करवाना पड़ रहा है? आपके बड़े बड़े नेता, गुजरात के आप जैसे युवा जो चेहरे आए थे, जिसके बाद एक उम्मीद जगी थी कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो छोड़ छोड़ कर चले भी गए। आपकी उम्मीदें बड़ी टूटी है, हमारी तो कायम है। अरे आपके अल्पेश ठाकुर हो गए, हार्दिक पटेल जिनका इंटरव्यू मैंने किया, वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। जिनको आपने के पहले पुराने जिनको जाना था वो गए, जिसको टिकना था वो टिक कर खड़ा है। 120 सीटें अगर आएंगी कांग्रेस की तो आपको लड्डू खिलाऊंगा, मुख्यमंत्री बनेंगे आप, गुजराती फाफड़ा, गुजराती जलेबी, उंधियू सब खिलाऊंगा आपको, पार्टी तो दूंगा। मैं ये पूछ रही हूँ, आप मुख्यमंत्री बनेंगे 120 सीट? ऐसी कोई रेस में नहीं हूँ, ऐसी किसी ऐसी कोई रेस में नहीं हूँ। वो तो पार्टी कलेक्टिवली डिसाइड करेंगी, पहले 120 का आंकड़ा पार करे, फिर सारे लोग बैठेंगे, हमारा पीसीसी के प्रेसिडेंट, केंद्रीय नेतृत्व, सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। विधायक के अलावा जिग्नेश की पहचान दलित एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी रही है। जिग्नेश मेवाणी से उनकी अग्नि परीक्षा के बारे में हमने विस्तार से बात की और अब हम निकल पड़े लोगों का मूड भापने। वडगाम सीट पर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और मुद्दा क्या है, यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का क्या है? इलाका तो कोई है ही नहीं, ये महंगाई, बेरोजगारी का प्रश्न है, लोगों को रोजगारी मिलती नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसके लोग परेशान है। महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो सरकार रहेगी, चली जाएगी या क्या होगा? और यहाँ से जिग्नेश मेवाणी का क्या हाल है? वो आ जाएगा, 20,000 वोट आ जाएगा। हार जाएंगे? जीत जाएगा, आएगा, जरूर आएगा। मतलब जिग्नेश मेवाणी जीतेंगे 20,000 वोट से? आप 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कौन से मुद्दे पर? कौन से मुद्दे? वो काम करता है, अच्छा काम करता है, सबका बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर किसका मुकाबला ज्यादा मजबूत? तीनों का मुकाबला चल रहा है। तीनों का मुकाबला, ये कह रहे हैं जिग्नेश मेवाणी है, मगर अभी तीनों का मुकाबला, अभी तीनों का मुकाबला है। ठीक है, इधर आ जाते हैं सर, आप बताइए कौन है मुकाबले में? ओ जिग्नेश मेवाणी जीत रहे हैं? जिग्नेश वो पक्का जीत रहा है। जिग्नेश मेवाणी किस लिए पक्का जीत रहे हैं, क्या काम बोलता है उसका? काम बोलता है, यहाँ पे रहते हैं, अपने अपने लोगों के बीच में रहते हैं। अरे जिग्नेश मेवाणी शेरे बब्बर है, शेरे और वो है ना, वो तो पट पलटू करके आ रहे हैं इधर। कौन पक्ष पर ये है? वो है ना दूसरा, मणिलाल वो है ना, वो तो वो कांग्रेस में थे, इधर आ गए हैं, तो आपको लग रहा है पक्ष पलटू? तो पक्ष पलटर करने वाले का भरोसा नहीं करते। वडगाम में कई घंटे बिताने के बाद अब हम निकल पड़े आगे की तरफ, लेकिन वडगाम के नतीजे क्या रहेंगे इस पर रहेगी आज तक की नजर। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे, तब तक के लिए करना होगा इंतजार। पिछले कुछ चुनावों पर अगर नजर डालें तो सुरक्षित सीटों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है और पिछली बार 2017 में उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार मुकाबले में दूसरी पार्टियों ने एंट्री मारकर कांटे का मुकाबला बनाकर बीजेपी के लिए उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जैसा कि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है। लेकिन बडगाम में आगे क्या होगा ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बडगाम गुजरात आज तक।